बच्चा चैप्टर में ही साफ साफ लिखा है ओवरव्यू, कुछ भी कंप्लीट रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड नहीं किए गए, करेंगे कहाँ, प्रोफेशनल में। चलिए ओवरव्यू सेबी का, लेकिन बच्चा किस चीज का रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, सब्सटेंशियल एक्विजिशन। आप सब्सटेंशियल मतलब ज्यादा से ज्यादा, सब्सटेंशियल वर्ड का मीनिंग हम और डिटेल में जाएंगे। सब्सटेंशियल क्या कर रहे हो बच्चा, खरीद रहे हो, एक्वायर कर रहे हो क्या शेयर्स को, या फिर हम क्या बोले आप क्या कर रहे हो बच्चा, टेक ओवर। शॉर्टकट में SAST बोलते हैं। सेबी के कौन से रेगुलेशन बच्चा, SAST रेगुलेशन 2011, ठीक है। और शॉर्टकट में बोलूं तो सेबी के टेक ओवर के रेगुलेशन, क्लियर है। अब इस चैप्टर में, चैप्टर सिक्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है बच्चा, खरीद रही है, टेक ओवर कर रही है, ठीक है। तो अब कैसे क्या टेक ओवर किया जाता है, आप किसी भी कंपनी को ऐसे ही टेक ओवर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। अब ये पूरा चैप्टर आपको वो सारे कंप्लाइंसेस बताएगा कि टेक ओवर करने की प्रोसेस क्या है। चलिए सबसे पहले बच्चा, टेक ओवर का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, ठीक। एक एक्वायरर होगा इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में बच्चे एक वर्ड यूज होगा एक्वायरर। एक्वायरर कौन होगा बच्चा, खरीदने वाला। एक्वायरर कौन होगा बच्चा, खरीदने वाला। बच्चा एक तरफ एक एक्वायरर होगा और दूसरी तरफ बच्चा जिसे खरीदा जा रहा है। बच्चा दो वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। एक वर्ड है एक्वायरर, दूसरा बच्चा टारगेट कंपनी, ठीक है। ध्यान देंगे, एक तरफ एक्वायरर है, दूसरी तरफ है टारगेट कंपनी। बच्चा वापस, दो वर्ड सबसे पहले जो समझा रही हूँ, पहला क्या लिखा है बच्चा, एक्वायरर, खरीदने वाला। एक्वायरर कौन होगा बच्चा, जो खरीद रहा है, टेक ओवर कर रहे हैं ना, एक कंपनी जो खरीद रही है, ठीक। दूसरी कंपनी जिसको खरीदा जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, टारगेट कंपनी, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं ना, मुझे इस कंपनी को खरीदना है। रिलायंस कंपनी कह रही है, रिलायंस कंपनी कह रही है कि भैया हमें आईटेक्स को खरीदना है, तो रिलायंस कंपनी क्या हो जाएगी, एक्वायरर, और जिसे खरीदा जा रहा है वो टारगेट कंपनी। हमेशा याद रखना, टारगेट कंपनी हमेशा लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, तभी तो सेबी के रेगुलेशंस लगेंगे। अगर कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी को खरीद रही है, तो सेबी के रेगुलेशन फॉलो करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। सेबी के रेगुलेशन तब फुलफिल करने हैं आपको, कंप्लायंस तब करने हैं जब आपकी टारगेट कंपनी क्या होगी बच्चा, लिस्टेड। मैं टारगेट कंपनी को लिस्टेड होने की बात करूं, एक्वायरर को नहीं। एक्वायरर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है और अदर भी। तो एक्वायरर एक इंसान लिस्टेड होता है क्या, टारगेट कंपनी है या हमेशा एक कंपनी होगी जिसे हम खरीद रहे हैं और वो हमेशा कौन सी होगी, लिस्टेड। ये बात याद रहेगी। वापस हम कर रहे हैं टेक ओवर, टेक ओवर में एक एक्वायरर होता है और बच्चा एक टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी हमेशा क्या होती है बच्चा, लिस्टेड कंपनी। टेक ओवर अब करने जा रहे, इन्होंने कहा चलो पहले टेक ओवर के टाइप समझे। क्या समझेंगे बच्चा, टाइप्स। कितने टाइप्स है, तीन टाइप। पहला टाइप बच्चा आपको साफ साफ दिख रहा है, फ्रेंडली टेक ओवर। रिलायंस कंपनी हमसे आकर पूछती है आईटेक्स कंपनी से कि आईटेक्स कंपनी हम आपको खरीदना चाहते, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिस्कस किया, हमें लग रहा है कि हाँ हमें अच्छी डील मिल रही है, हम अपने आप को बेचने को तैयार है। तो एक्वायरर ने टारगेट कंपनी से पूछा, कंसर्न ली और हमने कंसर्न दे दी, तो फ्रेंडली टेक ओवर हो गया, क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चा, हॉस्टाइल। पूछा हमने मना कर दिया, या फिर उनको मालूम है मत पूछो, अपने आप को ये बेचेंगे नहीं, तो छुपके छुपके क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद लेंगे, क्योंकि टारगेट कंपनी क्या है, लिस्टेड होगी ना, तो स्टॉक मार्केट से साइलेंटली तरीके से खरीद लिया जाएगा बिना कंसर्न के। कंसर्न लेने किसमें आए बच्चा, फ्रेंडली में। इसमें क्या कंसर्न लेंगे क्या, नहीं। पिक्चर से समझ में आ रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा ही जाएगी, खरीद ही लेगी, क्या बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे अच्छी कीमत दे देगी शेयर की, अगर शेयर में भैया मार्केट में शेयर 500 रुपए का, तो कहेगा मैं 600 700 800 में बेचने खरीदने को तैयार हूँ, तो हम अपने आप अपने शेयर क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल लगेगा, बेच देंगे। उनको हमारी कंपनी में है ना कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा, कुछ आगे के फ्यूचर दिख रहे होंगे, इसलिए वो ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्या लिखा है बच्चा, इस डायग्राम को अगर देखोगे बेलआउट टेक ओवर में, तो एक बंदा है जो कि गिर गया है नीचे, उसे बचाया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारी टारगेट कंपनी है वो कंपनी सिक कंपनी है। व्हाट डू मीन बाय सिक बच्चा, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी क्या है बच्चा,
बहुत बुरी कंडीशन में है, गिर रही है, मरने वाली है, खत्म होने वाली है। इस कंपनी को बचाने के लिए, इस कंपनी को बचाने के लिए हम खरीद रहे हैं। तो जब एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी एक वीक कंपनी को बच्चा खरीदती है, तो इस टाइप के टेक ओवर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? मेला। तीन टाइप के टेक ओवर, समझ में आए? वेरी गुड। एसबीआई ने क्या किया बच्चा? यस बैंक का हाथ पकड़ा, भाई भैया तुम्हारी कंपनी तो बंद हो जाएगी, ठीक है? तो इस टाइप के बच्चा ये टेक ओवर होते हैं। तो टेक ओवर करते हैं बच्चा, टेक ओवर करने वाले को एक्वायरर बोलते हैं। वो इंडिविजुअल कंपनियां कुछ भी हो सकता है, टारगेट है ना, जिसे खरीदा जा रहा है वो कंपनी टारगेट होते हैं। वो हमेशा क्या होगी बच्चा? वो हमेशा क्या होगी बच्चा? लिस्टेड। कितने टाइप्स के टेक ओवर होते हैं? तीन। पहला फ्रेंडली, हॉस्टाइल, बेलाउ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए पूरे चैप्टर का बच्चा पहले सम अप, ठीक है? आपके सामने पहला वर्ड क्या लिखा है? एक्वायरर। एक्वायरर समझ गए, खरीदने वाला। अब एक्वायरर जो खरीद रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ लोग होंगे जो उसकी हेल्प करेंगे, उन सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं बच्चा? पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, मेरी बात मानने वाले। बच्चा मैं खरीदने का प्लान कर रही हूँ कंपनी को, तो बच्चा मेरा जो पर्पस है वही सेम पर्पस मैंने अपने दोस्त को बोल दिया, भाई तू खरीद लेना। मैंने रॉकी सर को बोल दिया, अभिषेक सर को बोल दिया कि सर चलो खरीदते। मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने जा रही हूँ, मैंने बोला मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स है ना 20 शेयर्स मैं खरीद रही। रॉकी सर को बोला 20 शेयर्स आप खरीद लीजिए, अभिषेक सर को बोला 20 शेयर्स आप खरीद लीजिए। क्या हमने रिलायंस कंपनी का पूरा कंट्रोल ले लिया? टोटल मिला के 20 20 20 कितने हो गए? 60%। भैया कंट्रोल कब आ जाता है? कंट्रोल कब आ जाता है? मोर देन 50% में, 51 में ही। तो साफ साफ यहाँ पर कंट्रोल पावर कितनी आ गई बच्चा? 60। तो बच्चा अगर इंडिविजुअल मुझे देखा जाए तो मैंने तो टेक ओवर नहीं किया, लेकिन हमारी प्लानिंग है, एक्चुअल में हमने टेक ओवर कर ली है। इन्होंने कहा एक्वायरर अकेला भी हो सकता है, पूरा पूरा खरीद ले, या फिर ग्रुप में भी। उस ग्रुप से मतलब क्या? पीएसी, ठीक है? पर्सन एक्टिंग कंसर्न। बच्चे ये पीएसी पीएसी बार बार आएगा, समझ जाना, जो इनके साथ है, जो मिलकर 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 टेक ओवर करने का प्लान करे। क्लियर है? अभी मिलकर खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे बच्चा? टारगेट कंपनी हमेशा क्या होगी? लिस्टेड कंपनी, तभी तो सभी के रेगुलेशन लगेंगे, ठीक है? चलिए इनका पर्पस क्या है? कंट्रोल, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। टेक ओवर करने का मतलब क्या? पूरी कंपनी का कंट्रोल हमारे पास आ गया। अब बच्चा अगर साइलेंट, हमने अभी तीन टाइप के टेक ओवर पढ़े, पहला फ्रेंडली, दूसरा हॉस्टाइल, तीसरा वेल। बच्चा फ्रेंडली में तो कोई बात ही नहीं है झगड़े की, हम गए आपने हाँ बोल दिया, हमारे बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रही। लेकिन हॉस्टाइल टेक ओवर में सभी आएगा ना, कंपनी अपने आप को बेचना नहीं चाहती है, लेकिन शेयर मार्केट में उन्होंने खरीद के धीरे धीरे शेयर्स ले लिए, तो भैया सेबी इन कंपनी के शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बचाएगी। तो सेबी कह रहे हैं कि भैया जब हॉस्टाइल टेक ओवर होता है ना, तो सेबी के SA ST वाले रेगुलेशन फॉलो करने का। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? तो सेबी टेक ओवर रेगुलेशन बच्चा लगेंगे हॉस्टाइल टाइप के टेक ओवर में। फ्रेंडली में तो कोई बात ही नहीं है, आपके बीच में बैठ कर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रही है। बेल आउट में क्या हो रहा है बच्चा? बेल आउट में क्या हो रहा है? भैया आपकी कंपनी तो वीक है, तो मतलब बैठ के ही डिसाइड हो रही है ना सारी चीजें, मतलब किस में चीजें बैठ के डिसाइड नहीं हो रही? हॉस्टाइल। तो सेबी बोल रहा है हॉस्टाइल टेक ओवर में सारे कंप्लायंस सॉल्व करो, क्योंकि अब इसमें बैठेंगे नहीं, सेबी जो बोलेगा ऑब्लिगेट हो जाएगा कि भैया आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए तो इन्होंने कहा सेबी रेगुलेशन साफ साफ बोलता है कि आपको क्या देना पड़ेगा? ओपन ऑफर। सेबी रेगुलेशन बोलता है आपको क्या देना पड़ेगा? ओपन ऑफर। ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो क्या? चलिए तो सेबी रेगुलेशन साफ साफ बोलता है ओपन ऑफर। ओपन ऑफर अभी हम छुपके छुपके खरीद रहे थे, किसी को कुछ पता चल रहा था क्या? हॉस्टाइल टेकओवर में क्या करे? बिना कंसर्न के साइलेंटली तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीद लिया, दैट्स इट। इन्होंने कहा नहीं खरीदने देंगे, अब छुपके छुपके, एक लिमिट के बाद छुपके छुपके खरीदने नहीं देंगे। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है बच्चा? 25। वो लिमिट क्या है? 25। अगर आप 24 तक के शेयर खरीदते हो, मतलब लेस देन 25, बच्चा लेस देन 25, 24.9 भी होता है, याद रखना, पॉइंट्स में भी दो सकते हैं ना शेयर, कंप्लीट शेयर नहीं है तो, ठीक है? तो लेस देन 25% मतलब 24.9 भी, मतलब कि अगर मैं पॉइंट को अभी कंसीडर ना करूं, मेरे पास अभी 24% शेयर्स है, कंपनी के कितने परसेंट शेयर है? 24। तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुपके चुपके ऐसे मार्केट में जैसे खरीद रही खरीद लू।
लेकिन जैसे ही बच्चा एक लिमिट क्रॉस होती है, वो लिमिट क्या बच्चा 25, 25 मैं खरीदने, मुझे खरीदने नहीं दिया जाएगा। मैं रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने जा रही हूँ, मेरे शेयर आज मैं एक शेयर खरीदूंगा 25 हो जाएगा, मुझे बोल दिया जाएगा ना मत खरीदिए, आपको पहले क्या देना पड़ेगा, नहीं देंगे। वो कहेंगे कि 25 शेयर्स मैं आपको लेने नहीं दूंगा, 24 तक खरीद लिया है। मैं कह रही हूँ कि अब मैं 2% और खरीदने जा रही हूँ, मेरा 26 हो जाएगा, 2% चलो 1% खरीदने जा रही हूँ, मेरा क्या हो जाएगा 25। उन्होंने कहा रुको मत खरीदो, पहले क्या दो, ओपन ऑफर। ओपन ऑफर मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट ही होता है, हर जगह न्यूज़पेपर में आएगा, आपको ओपनली बोलना पड़ेगा कि सुन रिलायंस कंपनी तू मेरी टारगेट कंपनी है, तुम्हारे सारे शेयरहोल्डर्स को मैं ओपनली ऑफर दे रहा हूं, अभी तक तो चुपके चुपके दे रहा था, ओपनली ऑफर दे रहा हूं कि मुझे तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीदने, क्योंकि मैं आपको टारगेट कंपनी समझ के बैठा हूं। अब सारे शेयरहोल्डर को पता चल जाएगा कि भाई इस कंपनी को तो खरीदा जा रहा है, तो अब तो समझ कर बेचेंगे, ओपन ऑफर समझ में आ गया। चलिए, इन्होंने कहा जब ये ऑफर देना होता है तो इसके ना दो टाइप होते हैं, एक होता है मैंडेटरी ओपन ऑफर, दूसरा क्या होता है वॉलेंट्री। मैंडेटरी, अभी जो मैंने लिमिट बताई, सेबी ने साफ साफ बोल दिया है ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, इस लिमिट में आने के लिए आपको मैंडेटरी क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो ये हो गया मैंडेटरी ओपन ऑफर। वॉलेंट्री क्या, आप इस लिमिट तक नहीं आए, खुद से ही इच्छा है, मेरे 20% है, क्या मैंने लिमिट को क्रॉस किया, मैं अभी 2% लेने जा रही हूँ, 20% है, 2% लेने जा रही हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो भैया लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई, इन्होंने का लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो भी आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉलेंट्री खुद से, तो दोनों की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, डिटेल में पढ़ेंगे। ओपन ऑफर से मतलब क्या है बच्चा, पब्लिक अनाउंसमेंट से, चाहे वो मैंडेटरी हो चाहे वो वॉलेंट्री, आपको पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा, मतलब न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, तो ये था पूरे चैप्टर का समा। वापस बच्चा, एक्वायरर कौन होता है, वो बंदा जो कंपनी को खरीद रहा है, ये इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, और अदर में जो भी आ जाए। तो पूरा सम अप समझ में आ गया बच्चा, एक्वायरर, इंडिविजुअल, कंपनी, अदर। बच्चा अकेला भी वो खरीद सकता है लेकिन किसी और के साथ भी मिलकर, एग्जाम्पल बताया मैंने कि 20% मैंने ले लिया, 20% रॉकेट सर को दे दिया, 20% अभिषेक सर को, भैया हमने रिलायंस कंपनी को पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो जब भी एक्वायरर की लिमिट कैलकुलेट करनी होती है, अच्छी बात ये है आपके इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं आता, लेकिन हाँ फाइनल में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि भैया एक्वायर के पास इतना है और जो भी पर्सन एक्टिंग कंसर्न पीएसी जो है इसमें ये है, तो बताइए बच्चा, बताइए कि इनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकल इसमें भी है, थोड़ा बहुत है। चलिए बच्चा, इंट्रोडक्शन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सेम बातें लिखी है, एक्वायर समझ गए, पीएसी उनके साथ मिलकर, पीएसी का पूरी की पूरी एक डेफिनेशन है, उसमें कौन कौन आएगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम हो, हमने इनसाइडर चैप्टर जो पढ़ा था, इनसाइडर ट्रेडिंग, तो उसमें हमने इनसाइडर वर्ड का मीनिंग समझा था, कनेक्टेड और डीम टू बी कनेक्टेड, तो जो डीम टू बी कनेक्टेड है वही सारे लोग पर्सन पीएसी में भी आ जाएंगे। चलिए बच्चा, एक्वायर और पीएसी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं बच्चा, ओपन ऑफर देंगे अगर उन्होंने क्या क्रॉस कर लिया, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, एक लिमिट अगर उन्होंने क्रॉस कर दिया, एक लिमिट मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट वाज 25, ठीक है। टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी हमेशा क्या होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी, क्लियर है बच्चा। चलिए बच्चा, अब यहां पे आ जाइए, कॉरपोरेट टेकओवर को कितने टाइप में बच्चा, तीन टाइप, पहला टाइप क्या बताया था, फ्रेंडली, दूसरा, तीसरा। फ्रेंडली में क्या करते हैं, पूछ रहे भाई, म्यूचुअल कंसर्न से टेक ओवर कर रहे हैं। चलो, कंसर्न ऑफ द टारगेट लिस्टेड कंपनी बाय वे ऑफ अग्रीमेंट, साथ में बैठकर डिसाइड हो रहा है कि हाँ हम अपने आप को बेचने को तैयार है। फ्रेंडली टेक ओवर अक्सर बच्चा एक तरीके से नेगोशिएटेड टेक ओवर होता है, कोई हमसे पूछना आया है, अब हम मोल भाव कर रहे हैं कि भैया चलो कितने में आप हमारी कंपनी को खरीदोगे, क्लियर है बच्चा, तो फ्रेंडली टेक ओवर। हॉस्टाइल क्या टेक ओवर था बच्चा, कंसर्न लेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। एक्वायरर बच्चा, एक्वायरर नॉट ऑफर, उसने जाके टारगेट कंपनी को ऑफर नहीं दिया। कंटिन्यू क्या कर रहा है बच्चा, एक्वायर साइलेंटली, साइलेंट तरीके से वो मार्केट में धीरे धीरे शेयर खरीद रहा है, लेकिन सेबी के रेगुलेशन कब फुलफिल करने पड़ते हैं, हॉस्टाइल में ही, क्योंकि भैया आप चुपके चुपके कंट्रोल लेना चाह रहे हो, आप चुपके चुपके लेने जा रहे हो जिस कंपनी के, है ना, जो कंपनी जिसको आपने टारगेट किया, उनके शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का क्या, उनके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का क्या, इसीलिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में कंसर्न नहीं लिया, विदाउट हिज कंसर्न, ठीक है। बेल आउट, बेल आउट में क्या था, एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी,
एक वीक कंपनी, सिक कंपनी जो बर्बाद हो गई है उसको खरीदिए। फाइनेंशियल एक्वायर सिक कंपनी को क्या करता है बच्चा, खरीदता है। जो एक्वायरर होता है उसको हमेशा फायदा मिलता है, उसको हमेशा फायदा, क्योंकि सिक कंपनी है बच्चा। सबसे पहली बात बात तो होगी उस कंपनी की कि हमें बर्बाद नहीं करना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है बच्चा। एक्चुअल में जो टैक्सेशन की अगर मैं रूल्स रेगुलेशन की बात करूँ तो वो भी बहुत ज्यादा एग्जम्पशन छूट देती है किसको बच्चा, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी होती है। अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी किसी भी वीक कंपनी को खरीदने के लिए अग्री हो जाती है तो टैक्सेशन में उसको भारी भरकम छूट मिलती है, ठीक है। तो वो जो छूट होती है इस कारण से फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो चाहती है कि ठीक है हम इस कंपनी को खरीदेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है अच्छा खासा, उसमें हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं, वो हमारा प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो सेट ऑफ टाइप के प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी डिटेलिंग आपके सिलेबस में अभी नहीं दे रखी है, क्यों हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी ऐसा क्यों करती है, वो डिटेलिंग फाइनल में आप पढ़ोगे यहाँ, क्योंकि ओवरव्यू बस पढ़ रहे। चलिए, तो हमेशा बच्चा वो लेंडर क्रेडिटर सप्लाई इन सबके साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं, इस तरीके से भी उनको फायदे हो सकते हैं। क्लियर है बच्चा? तीन टाइप, पहला, दूसरा, तीसरा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए बच्चा, पूरा का पूरा ओरिजिन बता के रखा है, पास बता के रखा है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ेंगे बच्चा, ये सेबी रेगुलेशन आया क्यों, सेबी का टेक ओवर एसएससी रेगुलेशन आया क्यों बच्चा? जो हाईलाइट फॉर्म है बस उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं मिला क्या ये जो ये रखा ना टेबल, इसके ठीक नीचे बच्चा क्यों आया, ताकि क्या हो जाए, टेक ओवर एक्टिविटी क्या हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, सबको पता रहे ना भाई टेक ओवर हो रहा है बच्चा। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर के भी और सिक्योरिटी मार्केट के भी। सेबी ने बोला भैया हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है, हम चाहते हैं चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, हम चाहते भैया इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, चाहे वो अब सिक्योरिटी मार्केट का ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडिविजुअल हमारे इन्वेस्टर का ही क्यों ना हो बच्चा। हम चाहते बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ना हो, बहुत अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सबका हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, झगड़ा ना हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें हो जाए बच्चा। ईच शेयर होल्डर को हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, किस टाइप की अपॉर्चुनिटी, एग्जिट। अब टेक ओवर होने जा रहा है बच्चा, हॉस्टाइल हो रहा है बच्चा, आधे लोगों ने हाँ बोल दिया, आधे लोगों ने ना बोल दिया है, तो बच्चा उनको कंटिन्यू नहीं करना, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी आएगी। जो चाहते हैं कि नहीं भैया हम नहीं बेचना चाहते रिलायंस कंपनी के, रिलायंस कंपनी बच्चा मेरा कंट्रोल कब आ जाएगा, 51% में आ जाएगा। अगर 51% शेयर मेरे पास आ गए तो आ गया कंट्रोल, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया बाकी के जो 49 है, 40, 30 जितने भी बचते, वो अगर चाहते हैं कि हमें इस कंपनी में कंटिन्यू नहीं कर रहना है, क्योंकि भैया अंबानी की जगह मैंने ले ली है, बच्चे उन्हें भरोसा नहीं, तो अब उन्हें क्या देना पड़ेगा बच्चा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो सेबी रेगुलेशन टेक ओवर के इसलिए आए ताकि मैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे सके। चलिए ये रिपीट है, ये वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट से रिपीट है, हम क्या चाह रहे बच्चा, ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क हो बच्चा। एंश्योर करेंगे क्या, सारे के सारे जो टारगेट कंपनी के जो भी अफेयर्स है बच्चा, कंडक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी जो चल रही है वो चलती रहे, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, टेक ओवर के जो कंप्लायंसेस है वो स्मूथली तरीके से हो जाए बच्चा। एंश्योर करेंगे फेयर और एक्यूरेट डिस्क्लोजर हो सारे के सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन का। अब अगर मैंने ओपन ऑफर दे दिया तो बच्चा सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाएगी सही तरीके से, सेबी भी नजर रखेगा, सारे के सारे रेगुलेट प्रोवाइड फेयर इफेक्टिव कॉम्पिटिशन, मार्केट में सही तरीके से कॉम्पिटिशन रहेगा। अभी मैं छुपके छुपके शेयर्स खरीद रही थी तो बच्चा मैं कितने ही रुपए में खरीद सकती थी, लेकिन जब ओपनली मैंने रख दिया तो एक फेयर प्राइस आ जाएगी, कॉम्पिटिशन रहेगा कि सारे के सारे शेयर होल्डर एक जैसा सोचेंगे कि नहीं भैया अब हमें इतने में नहीं बेचना, बेचेंगे तो थोड़ी और हाई कीमत, अगर हमारी कंपनी ज्यादा डिजर्व करती है तो कंपटीशन आ जाएगा। एंश्योर करेगा ओनली दोज एक्वायर हु आर केपेबल बच्चा टू मेक ओपन ऑफर। इन्होंने कहा भैया एक्वायरर क्या होना चाहिए बच्चा, केपेबल होना चाहिए, ऐसे ही मुकेश अंबानी की जगह कोई ले लेगा क्या, नहीं। तो हम चाहते हैं एक्वायरर ओपन ऑफर दे और शेयरहोल्डर को अगर लगे कि भैया इसमें बात है, इसमें दम है, तो ही बेचे, अदरवाइज ना बेचे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या थे ऑब्जेक्टिव, किसके, सेबी के एसएससी रेगुलेशन के पीछे का ऑब्जेक्ट ये कि ये रेगुलेशन हमने बनाए क्यों। बात समझ में आ गई पक्का बच्चा? ये पूरे रेगुलेशन का डिटेल बता के रखा है, लेकिन इतनी पूरी डिटेलिंग नहीं है, ओवरव्यू है, कुछ ही रेगुलेशन है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अभी नहीं समझ में आएंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे समझ में आएंगे। आ जाइए इस रेगुलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहला वर्ड समझ चुके हो, एक्वायरर कौन होता है, खरीदने वाला,
ठीक है, अब खरीदने वाला इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन। बच्चा एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। आपको लगता है कि आपके फर्स्ट पार्ट में ऐसे चिल्लर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वर्ड इसलिए समझ में समझाया जा रहा है ताकि आगे चलकर है ना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे। तो एक्वायरर वो पर्सन होता है जो एक्वायर कर रहा है, या तो खुद हिमसेल्फ या फिर ये पीएसी जो उसके साथ मिलकर। ठीक है बच्चा, अब हमेशा याद रखना मैं बार बार शेयर शेयर शेयर्स बोलूंगी, लेकिन उसका मतलब अब शेयर से नहीं है, शेयर्स भी है, वोटिंग राइट भी, और कंट्रोल, ये तीन वर्ड मैं कॉन्सेप्ट समझाते वक्त बोलूंगी कि भैया इतने परसेंट के शेयर खरीद लिए, मतलब मेरा वो बस शेयर से नहीं है, शेयर से भी है और वोटिंग राइट और कंट्रोल। ठीक है, ये क्या बात समझ में आ रही है? पक्का बोलते वक्त बस शेयर, लेकिन शेयर वोटिंग राइट कंट्रोल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिखते वक्त आपको तीनों वर्ड लिखने। बात समझ में आए? एक्वायरर वो है जो टारगेट कंपनी के शेयर्स वोटिंग राइट कंट्रोल ले रहा है। आंसर लिखते वक्त ये तीनों शब्द मुझे दिखने चाहिए, नहीं तो नंबर काट लूंगी, भले बोलते वक्त मैं कंजूसी करूं। ठीक है चलिए, एक्विजिशन क्या? वो प्रोसेस, एक्वायर अगर एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्विजिशन कुछ नहीं, बच्चा खरीद रहा है या फिर अग्री टू एक्वायर, बस क्या शेयर्स, शेयर्स वोटिंग राइट और कंट्रोल। चलिए अब इन्होंने कहा शेयर तो समझते हैं, एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, चार शेयर, वोटिंग राइट भी समझते हैं, चार शेयर है तो उसके चार वोटिंग राइट, लेकिन कभी कभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी होते हैं, कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो शेयर और वोटिंग राइट को उन्होंने समझाया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये कंट्रोल मतलब क्या, पहले शॉर्ट में समझेंगे। कंट्रोल मतलब हम कब मानेंगे कि एक इंसान का दूसरी कंपनी में कंट्रोल है, मेरा रिलायंस कंपनी में कंट्रोल है, कब मानेंगे? तीन बातें, पहला अपॉइंट कर सकती हूँ मैं, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ, मतलब मैं उस कंपनी को क्या करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ। ये बार बार जो मैं बोलूँ ना शेयर वोटिंग राइट कंट्रोल, कंट्रोल से मतलब ये तीन बातें, पहला क्या अपॉइंट, मेजोरिटी डायरेक्टर में अपॉइंट कर सकती हूँ, मतलब मेरा अच्छा खासा कंट्रोल है उसमें। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, कंट्रोल मैनेजमेंट को कंट्रोल करती हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ, पॉलिसी बनाने के डिसीजन लेती हूँ, मतलब मैं पॉलिसी बनाती हूँ, मतलब इतना कंट्रोल है। कब हम मानेंगे कि आपका कंट्रोल है? अगर मेरे पास ये पावर आ गई कि मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ, तो मेरा कंट्रोल आ गया है, या फिर मैं कंपनी के मैनेजमेंट की पॉलिसी बना रही हूँ, मैनेजमेंट में कंट्रोल आ गया, पॉलिसी मुझसे बिना पूछे नहीं बनाई जाती, तो मतलब मेरा कंट्रोल आ गया है। समझ में आ गया? तीसरा, इन्हों का शेयर होल्डिंग, मेजोरिटी के शेयर्स आ गए तो अपने आप क्या हो जाएगी बच्चा, कंट्रोल है। तो कंट्रोल तीन तरीके से आता है, डायरेक्टर मेजोरिटी अपॉइंट करना, और मैनेजमेंट की पॉलिसीज बनाना, और शेयर होल्डिंग। ठीक है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग, क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे जो ये शेयर्स वोटिंग राइट कंट्रोल है, तो कंट्रोल में ये तीन बातें याद रखना है, जिसमें शेयर्स भी है, मेजोरिटी के। क्लियर है बच्चा? अब आपकी बुक की डेफिनेशन रीड करेंगे। ठीक है बच्चा, एग्जाम में कंट्रोल की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट के लिए है। तो राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी डायरेक्टर पहला, कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट बोलो या फिर पॉलिसी डिसीजन बोलो, दूसरा पॉइंट, और तीसरा शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग से मतलब क्या बच्चा, मेजोरिटी है ना, शेयर आप खरीदो इन दी टारगेट कंपनी, वो टारगेट कंपनी हमेशा लिस्टेड। क्लियर है? पक्का? तो ये तीन बातें डेफिनेशन में सबसे पहले समझा, एक्वायरर, एक्विजिशन, देन कंट्रोल। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ शेयर शेयर शेयर, लेकिन शेयर वोटिंग और कंट्रोल याद रहेगा, मार्क हो गया। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट वर्ड बताओ बच्चा। प्रैक्टिकल ये वाला तो नहीं आने वाला, लेकिन होता क्या है, जब आप किसी को खरीद रहे हो तो आपकी एक वैल्यूएशन करी जाएगी। मैं ओपन ऑफर दे रही हूँ तो भैया एक वैल्यूएशन करी जाएगी, तो एंटरप्राइजेस के एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इन्होंने कहा वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, पहले मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द कंपनी लिख लो, वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट इज ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट में कंपनी लिस्टेड है ना, जिसको खरीद रहे हो उनके शेयर्स की वैल्यू मार्केट में क्या है, तो हम पहले मार्केट में उसकी वैल्यूएशन करेंगे, उसकी कितनी रेपुटेशन, उसकी कितनी इज्जत है, इस तरीके से पहले हम निकालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऐड करेंगे प्लस, और क्या करेंगे बच्चा, डेट वगैरह भी, फिर जितने भी बच्चे बच्चे माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। हम कह रहे हैं कि हमें आपकी कंपनी का वैल्यूएशन करना है, एंटरप्राइज का वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यूएशन करते वक्त प्लीज आप ध्यान देना, आपको पहले मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन, देन उसके आपके डेट देखने हैं, देन आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर क्या है जितने भी प्रिफर्ड शेयर्स है। बच्चा अब आपकी कंपनी का कुछ कैश होगा, कैश तो निकाल लोगे, कैश थोड़ा दोगे, कैश तो आपका है ना,
ठीक है, मैं रिलायंस कंपनी को खरीदने जाऊँ तो उसकी मैं क्या देखूंगी, मार्केट में क्या कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक मार्केट में क्या वैल्यू, उसका क्या उधारी है और उसकी क्या जो भी मॉनिटरी इंटरेस्ट है, और जो भी टोटल कैश होगा या कैश इक्विवेलेंट, वो तो भैया अंबानी निकाल के चला जाएगा ना अगर वो कंपनी को बेच रहा है तो। क्या बात समझ में आई? तो उन्होंने कहा भैया ये हटा देना, इन तीन चीजों को ऐड करना। बात समझ में आ गई? प्रिफर्ड शेयर मतलब कि मार्केट में कुछ अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, ये प्रेफरेंशियल शेयर्स ये सब नहीं है, इनके अलावा कोई भी अलग टाइप के शेयर्स हो सकते हैं जिसमें और भी हम मार्केट इंडिया के बाहर भी इतने सारे शेयर्स बेचते हैं, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चा नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी है, क्या ये वर्ड हमने कभी इससे पहले सुना है? आपके शेयर्स मार्केट में फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रहे, ये हम कब मानेंगे, जब आपके मिनिमम नहीं 10% है ना, लेकिन 3 साल नहीं, पिछले 1 साल, पिछले 1 साल फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर कहीं भी बताया नहीं गया था। रुक जाओ, फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड समझो तो पहले, बता रही वहां पे भी कनेक्ट करूँ। फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स मतलब आपकी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते। मैंने हमेशा क्या बताई थी बच्चा, लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन कहीं भी पढ़ी थी कि आपने? नहीं। हमेशा याद रखना कि 10% अगर हो रहे हैं, अब डीलिस्टिंग वाले चैप्टर में जाते हैं, डीलिस्टिंग में हमने पढ़ा था पिछले 3 साल में अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं करो तो डीलिस्ट हो जाओगे, लेकिन अभी वो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर का मतलब क्या है, पिछले 12 महीने में क्या होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली ट्रेड होने चाहिए ना, मतलब पिछले 1 साल में आपकी कंपनी के शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जा रहे। ट्रेड मतलब क्या, बस खरीदना, क्या खरीदना बेचना, खरीद मतलब एक्टिविटीज है आपकी कंपनी के शेयर में, क्या है एक्टिविटी। मैंने आईटेक कंपनी को लिस्ट कर दिया, कोई खरीद ही नहीं रहा यार, 2% खरीद रहे, 3%, तो हम क्या हो जाएंगे, इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। क्या बात समझ में? अब हमने डीलिस्टिंग चैप्टर में पढ़ा था कि भाई तुम्हारी कंपनी पिछले 3 साल से इनफ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रही है, मतलब 10% भी कोई खरीद नहीं रहा है तो आप डीलिस्ट हो जाओगे, लेकिन नॉर्मली मीनिंग क्या है, फ्रिक्वेंटली ट्रेड मतलब क्या, एटलीस्ट 10% तो भैया एक्टिविटीज दिखे। उन्होंने बहुत कम रखा है बच्चा, मतलब जिसके 80-90% होते हैं वो कंपनी की तो रेपुटेशन अपने आप में बहुत अच्छी है। चलो बच्चा अच्छे से हेडिंग पढ़ना, पूरा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है उसकी, फ्रिक्वेंटली ट्रेड। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा, मैक्सिमम नॉन पब्लिक, पहले मुझे बताओ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होती है, 25%। अब लिखा है मैक्सिमम परमिसेबल नॉन पब्लिक, कितना बचा? क्या बात समझ में आ गई? ये वर्ड इसलिए दिए गए क्योंकि अभी आगे चलकर यूज करेंगे तो समझ जाना, ठीक है, मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। हाँ बच्चा ध्यान दो, क्या लिखा है, फ्यूचर इकोनॉमिक ऑफेंडर वो जो एज पर एक्ट डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, आइडेंटिफाइड डेट, ये वर्ड आएगा बच्चा, अभी जो ये वर्ड है ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि टेक्निकल बातें हैं, ठीक है, बस अभी आपको याद रखना है आइडेंटिफाइड डेट मतलब वो डेट जिसमें हम शेयर होल्डर को डिटरमाइन करेंगे जिसे लेटर ऑफर देना पड़ेगा। समझिए, हम ओपन ऑफर दे रहे हैं तो ओपन ऑफर दे रहे मतलब सारे शेयर होल्डर को ओपन ऑफर दे रहे होंगे, ठीक है, तो एक डेट डिसाइड करेंगे, वो डेट बच्चा जिस डेट में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे शेयर होल्डर जिसको लेटर ऑफ ऑफर देना है। समझ में आ गया? तो अभी आइडेंटिफाइड डेट, रिकॉर्ड डेट बोल सकते, ठीक है, अभी आइडेंटिफाइड डेट ये समझना और डिटेल में जाएंगे, उसकी टेक्निकल जो बोल लिखा ना 10 डे ये सब में अभी घुसने का नहीं क्योंकि अभी तो मेन कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इमीडिएट रिलेटिव, बच्चा कौन कौन हो जाएगा इमीडिएट रिलेटिव, अब भी नहीं भरे यार एकदम, है ना, स्पाउस की बात हो रही है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलिए अभी दिख रहा है, देखो एनी स्पाउस, और क्या लिखा है बच्चा, पेरेंट्स हो जाएंगे, मैं हूं तो मेरे पेरेंट्स, या फिर बच्चा मेरे आजू बाजू के सिबलिंग्स आ जाएंगे, ब्रदर सिस्टर्स आ जाएंगे, देन चाइल्ड आ जाएगा, और बच्चा नीचे स्पाउस लिखा है, स्पाउस के भी पेरेंट्स आ जाएंगे, उनके भी सिबलिंग्स आ जाएंगे, उनके जो जो मुझको लेकर है सेम मेरे स्पाउस को लेकर भी है, हाँ लेकिन खानदान की डेफिनेशन थोड़ी सी है ना श्रिंक कर दिए। क्लियर है बच्चा? हाँ बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा, ऑफर पीरियड, ये भी कॉन्सेप्ट बच्चा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जब चैप्टर पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, लेकिन फिर भी अभी शॉर्ट में बता दूं इंट्रोडक्शन, अगर नहीं समझ में आते हैं तो घुसने का नहीं क्योंकि आगे चल के समझ नहीं है। बच्चा ऑफर पीरियड समझने से पहले नीचे एक बॉक्स दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, एक क्या लिखा है बच्चा टेंडरिंग पीरियड, फिर क्या दे रखा है ऑफर पीरियड, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, ऑफर पीरियड ज्यादा वाइडर होता है, ऑफर पीरियड क्या होता है ज्यादा वाइडर। बच्चा मैं आज ओपन ऑफर दे रही हूँ, मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती हूँ
24% तक के शेयर्स मेरे हो गए, मुझे 25 खरीदना है, तो मुझे अब चुपके चुपके खरीदना अलाउड नहीं है। मैं चुपके खरीद लूंगी तो मैं वायोलेशन कर दूंगी रूल्स रेगुलेशन का, है ना। तो मुझे बोला पहले ओपन ऑफर दे दो। तो यहाँ से ऑफर पीरियड चालू होता है, तो डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू अग्रीमेंट, है ना, अगर म्यूचुअली करें, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चा हॉस्टल, लेकिन बच्चा सब तो कवर हो रहे, अगर आप फ्रेंडली कर रहे हो तो अग्रीमेंट हो जाएगा, फ्रेंडली नहीं कर रहे हो तो हॉस्टल हो जाएगा, हॉस्टल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, आप जब भी ओपन ऑफर दे रहे हो, तो वो सारी डेटें जब तक क्या ना हो जाए, आप पेमेंट ना कर दो, जैसे उसमें लिखा है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयरहोल्डर या फिर ऑफर की वो डेट, जब ऑफर हमने क्या कर दिया बच्चा विदड्रॉ कर दिया, तो ऑफर पीरियड मतलब कि जब मैंने ऑफर चालू किया और जब तक पूरा का पूरा खत्म ना कर दे पेमेंट तक, उन सबको हम क्या बोलते हैं ऑफर पीरियड। मतलब यहां से ओपन ऑफर चालू होगा, ठीक है, और यहां पे मैंने पेमेंट कर दिया, जरूरी नहीं है ना हमेशा सक्सेसफुल हो। अब मैं पेमेंट कर रही हूँ, लोगों ने लिया ही नहीं, तो मेरा पूरा का पूरा ऑफर क्या हो सकता है, विड्रॉ भी हो सकता है। तो व्हाट डू मीन बाय ऑफर पीरियड, ऑफर पीरियड मतलब स्टार्ट होने से लेकर खत्म होने तक, एंड तक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और बोल दिया टेंडरिंग पीरियड, बच्चा इसमें भी कुछ टाइम के लिए विंडो ओपन होगी, कुछ टाइम के लिए इसमें विंडो ओपन होगी, ठीक है। इस विंडो को ओपन किया जाएगा और बोला जाएगा कि जो जो इंटरेस्टेड है, रिलायंस कंपनी के सारे शेयरहोल्डर जो जो इंटरेस्टेड है आकर मुझे बेचिए। इसके लिए एक ड्यूरेशन के लिए विंडो ओपन किया जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा टेंडरिंग पीरियड, टेंडरिंग पीरियड। तो ऑफर पीरियड जो है वो एक वाइडर टर्म है, टेंडर पीरियड इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो व्हाट डू मीन बाय ऑफर पीरियड, ऑफर स्टार्ट होने से लेकर खत्म होने तक। व्हाट डू मीन बाय टेंडर पीरियड बच्चा, जब वो विंडो ओपन होती है जिसमें वो सारे के सारे शेयर होल्डर होते हैं रिलायंस कंपनी के, मुझे बेचने को तैयार हो जाएंगे जो मैंने प्राइस कोट करी है। क्लियर है? ये थर्ड पार्टी करते हैं या कंपनी? चल, एक्वायरर कौन है? मैं, ठीक है। मैं किसको कह रही हूँ, किसके शेयर खरीदने के लिए जा रही हूँ? टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर, रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर। तो ये टेंडरिंग पीरियड यहाँ पे थर्ड पार्टी कहाँ से गई? मैं खरीदने वाला, मैं खरीदने वाला, मैंने कहा ये 10 दिन के लिए विंडो ओपन है, आओ रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर मुझे शेयर बेचकर जाओ। बात समझ में आ गई? तो मेरे और टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर के बीच की बात है, कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का? मैं अकेले सब कर सकता हूँ क्या? बीच में बहुत सारे मीडिएटर इंटरमीडिएट आएंगे क्या? हाँ, पूरी प्रोसेस में आएंगे। हाँ बच्चा, टारगेट कंपनी क्या? हाँ, अब मैं क्या कह रही हूँ, कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, शेयर होल्डर खेलेंगे ना, शेयर होल्डर खेलेंगे ना बच्चा, शेयर होल्डर क्या कह रही है, हमें नहीं बेचना। हाँ, डायरेक्टर के पास अगर शेयर है तो रोल है, डायरेक्टर में तो बैठ के देखेंगे कि हमारी कंपनी हमारी आंखों के सामने बिक गई, मतलब डायरेक्टर काम अच्छे से नहीं करेंगे, तभी तो मुझ पर भरोसा दिखा रहे। बात समझ में आ गई? चल बच्चा, तो अब ट्रेंडिंग पीरियड ऑफर पीरियड में क्या लिखा है, डिफरेंस क्या है? ऑफर पीरियड क्या है? वाइडर है बच्चा, और ट्रेंडिंग पीरियड क्या है? छोटा है, ठीक है। चलिए बच्चा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी दिख रही है? पीएसी दिख रही है, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करो, पहले ट्रेंडिंग पीरियड में कंप्लीट करा दूंगी। टारगेट कंपनी दिख रहा है, टारगेट कंपनी कौन सी कंपनी, जिसको खरीदा जा रहा है, जो ऑलवेज लिस्टेड होगी स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? पूरी डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं, बस लिस्टेड मार्क करो क्योंकि वही जरूरी। टेंडरिंग पीरियड क्या होता है? शेयरहोल्डर में टेंडर, टेंडर मतलब वो टेंडर करने आ रहे हैं। टेंडर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग बोलो तो ऑफर ही होता है। टेंडर भरते हैं, एमबीपी का टेंडर निकला है ऐसा सुनते हैं, गवर्नमेंट का टेंडर निकला है, टेंडर मतलब ऑफर ही होता है। तो इन्होंने कहा शेयरहोल्डर अब टेंडर करेंगे देयर शेयर इन दी ओपन ऑफर। ओपन ऑफर का पीरियड बहुत लंबा चौड़ा होता है, टेंडर पीरियड छोटा है, जब वो विंडो ओपन होती है जिसमें वो आ जाएंगे टेंडर भरेंगे कि हाँ हमारे शेयर सबसे ले लीजिए इतने रुपए में जितने में आपने वादा किया। ट्रेंडिंग पीरियड समझ में आ गया बच्चा? वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, ये सुना सुना है, अभी नहीं समझाऊंगी, जब चैप्टर में भी पढ़ेंगे तब समझेंगे। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये मार्केट की प्राइस बोल रहे हैं या नॉर्मल प्राइस की बात कर रहे हैं? डिटेल में मैं चैप्टर जब स्टार्ट करूंगी तब समझ में आएगा, अभी कोई मतलब नहीं है। वेटेड एवरेज टोटल शेयर, ये भी नहीं, डेफिनेशन है, ठीक है। ये तीन डेफिनेशन पढ़ाऊंगी चैप्टर के अंदर। ये क्या लिखा है? ये बिल्कुल जानबूझकर डिफॉल्टर है। इन्होंने कहा भाई बिल्कुल कब बनते हैं, जब कोई बैंक डिक्लेयर कर दे कि भैया ये हमारे हिसाब से बिल्कुल डिफॉल्टर है, या फिर कौन डिक्लेयर कर दे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर बच्चा कौन कर दे, कस्टोडियन, मतलब इन्हीं सबका ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ बैंक या फिर ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये किसने बताया होगा? ये एज पर आरबीआई रेगुलेशन, आरबीआई ने कुछ रूल्स रेगुलेशन नोटिफाई किए जिसके हिसाब से बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इनका ग्रुप डिक्लेयर कर सकता है, ब्लैकलिस्ट होते ना जैसे,
डिक्लेयर कर सकते भैया ये जो कस्टमर ये जो क्लाइंट है इसे बिल्कुल डिफॉल्टर, बिल्कुल डिफॉल्टर वर्ड का भी मीनिंग समझाया, आगे चल के यूज होगा, क्लियर है? चल तो अभी हमारी एक डेफिनेशन बची है वो है पीएसी, स्टार्ट करें जो कि इंपॉर्टेंट भी है। पर्सन एक्ट इन कॉन्सेप्ट की बात करें तो बच्चे इन्होंने कहा दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी। पहली कैटेगरी पीएसी उन सबको बोला जाएगा जिसका पर्पस सेम है, मैं एक्वायरर हूं, मैं रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ, क्या बात समझ में आई, मैं शेयर होल्डिंग राइट या फिर कंट्रोल लेना चाहता हूँ। मेरा पर्पस अभिषेक सर का, रॉकी सर का, प्रिया मैम का पर्पस क्या बच्चा सेम है, तो वो सब के सब पीएसी माने जाएंगे जिनका पर्पस क्या एकदम सेम है। या फिर बच्चा ये तो डीम्ड है, याद है कनेक्टेड पर्सन और डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, ठीक है? तो पहला क्या बोल दिया कॉमन ऑब्जेक्ट, और दूसरे में क्या बोल दिया मान लिया जाएगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट है अंटिल अनलेस आप उसे कॉन्ट्ररी प्रूफ ना कर दो। बात समझ में आ गई पक्का? चलिए आपकी बुक में सबसे पहले वाला पॉइंट यही बताया है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, शेयर खरीदना वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल, उनका भी क्या है शेयर वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल, किसमें टारगेट कंपनी में, बात समझ में आई। दूसरा डीम टू बी पीएसी, पीएसी कौन होता है, वो होता है जिसका पर्पस मेरे जैसा सेम है, या फिर डीम्ड, डीम टू बी पीएसी, ठीक है? चलो पीएसी का डीम्ड पढ़ते बच्चा, सारे पॉइंट घिसे पीटे हैं इन्होंने कहा कंपनी और हमारी होल्डिंग और उसकी सब्सिडी या फिर एनी कंपनी अंडर दी सेम मैनेजमेंट और कंट्रोल, मतलब सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यार, हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बच्चा दो कंपनी आईटेक्स रामपुर, आईटेक्स यादव क्लब, या तो होल्डिंग सब्सिडी है या तो क्या होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, तो पूरा पूरा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सेम है। और हम रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रहे, मैंने 25 खरीद लिए, उन्होंने 26 खरीद लिए, दोनों मिलाकर क्या हो गया भैया, कंट्रोल कर रहे ना, टेक ओवर कर रहे। तो पीएसी, पीएसी डीम टू बी पीएसी किस किस को माना जाएगा, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी को माना जाएगा या फिर क्या है कॉमन मैनेजमेंट या कंट्रोल है, या फिर कंपनी और डायरेक्टर बच्चा है एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। भैया कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है उसका डायरेक्टर, उसका डायरेक्टर या फिर कोई भी पर्सन जिस पे आप भरोसा करते हैं, या फिर डायरेक्टर जो भी 102 में पड़ा, ये 102 में क्या पड़ा, होल्डिंग सब्सिडी के डायरेक्टर मिलकर, मिलकर रामपुर कंपनी का डायरेक्टर और बच्चा यादव कॉलोनी का डायरेक्टर मिलकर क्या कर रहा है, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, और दोनों के जब हम ज्वाइंट करके देख रहे हैं तो भैया मिलकर क्या हो रहा है, कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं, मोर देन 50% हो रहा है, तो कंट्रोल तो आ गया ना, कंट्रोल कब आता है 50 से ज्यादा में कंट्रोल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, हम सारे मेजोरिटी डिसीजन ले लेंगे। प्रमोटर किसके, दोनों कंपनी के या फिर प्रमोटर का पूरा पूरा ग्रुप मिलकर ले रहे, या फिर बच्चा इमीडिएट रिलेटिव, अभी पढ़ा इमीडिएट रिलेटिव स्पाउस वगैरह मिलकर ले रहे। बच्चा अब यहां से सब घिसी पिटी बातें, म्यूचुअल फंड समझते हैं, म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर समझते हैं, म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी, इंडिविजुअल भी हो सकता है कंपनी भी, या तो ट्रस्टी या तो ट्रस्टी कंपनी या फिर बच्चा उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये लोग मिलकर ले रहे। म्यूचुअल फंड ने अलग लिया, ट्रस्टी ने अलग लिया, उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लिया, हम मानेंगे सब बच्चा एक ही है और मिलकर क्या कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी की शेयर खरीद रहे, तो हम सबको एक मिलाकर बच्चिया जब लिमिट हम देखेंगे तो सबकी मिक्स कर देखेंगे। बात समझ में आई, चलिए सेम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसकी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, उसका ट्रस्टी, उसका ट्रस्टी कंपनी सेम है। अब वेंचर कैपिटल फंड, उसका स्पॉन्सर, उसका ट्रस्टी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेम, ऑल्टर इन्वेस्टमेंट फंड उसका स्पॉन्सर, बच्चा सेम नहीं लिखा। मर्चेंट बैंकर और उसके क्लाइंट, भैया मर्चेंट बैंकर और क्लाइंट दोनों मिलकर खरीदना चाह रहे, क्लाइंट बहुत होंगे लेकिन वो वाला क्लाइंट जो खरीद रहा है भाई, हु इज एक्वायरर, मतलब मैं क्लाइंट हूँ, मेरा मर्चेंट बैंकर है जो पूरा मेरा काम देख रहा है, हम दोनों मिलकर भैया रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रहे। सेम पोर्टफोलियो मैनेजर है मेरा और भैया मैं मिलकर क्या कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर। इन्होंने कहा हम मान लिए कि आप डीम टू बी पीएसी हो, बात समझ में आ रही है पक्का? तो ये था पीएसी की डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट थी, क्लियर है? मैं कंपनी खरीदा मैंने 20% और अपने बैंक को जाकर क्या बोल दिया, तू भी खरीद ले 20%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल दिया तू भी खरीद ले। भैया मैं बैंक हूं ना, सॉरी मैं कंपनी हूं ना, मेरा बैंक, मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम ही है ना सब, मतलब मिलकर क्या करे, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रहे। स्टॉक ब्रोकर को बोल दिया भाई तू भी ले ले, पर्सनली तू भी ले ले, मैं भी ले लेता हूँ मिलकर। हमारा हमारा मकसद क्या है, शेयर कंपनी को, रिलायंस कंपनी को पूरा पूरा
खरीदना, तो ये हम टेक ओवर ही कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे एक तरीके से टेक ओवर कर रहे, ठीक है चलिए। हाउएवर यहाँ पे एक बात उन्होंने बोल दी, लेकिन जो बैंक है नॉट अप्लाई, कब अप्लाई नहीं होगा, बैंक का बस रोल क्या है बच्चा, नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं ओपन ऑफर में, उसका हमारा इतना कुछ उठना बैठना नहीं है, उसको बस हमने एज अपॉइंट कर रखा है कि ओपन ऑफर में हमारा बस सिंगल काम कर, मतलब इसके अलावा उसका हमसे और कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में चलती नहीं है, अगर आप प्रूव कर दोगे तो फिर हम मानेंगे कि हाँ आप लोग डीम टू बी पीएससी नहीं हो, अदरवाइज हो, इन जनरल आप हो, प्रूव करें कि आपका सिंगल काम बस यही है, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो फिर आपको नहीं माना जाएगा। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है, मिनिमम आईटेक कंपनी ने टाटा में इन्वेस्ट कर रखा है समझ लो कितना, 10%, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए 30%, वापस टाटा कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है कितना, 10%, एक तरफ क्या बच्चा, यहां पर एक तरफ टाटा कंपनी है, ठीक है, एक तरफ आईटेक्स है और एक तरफ रिलायंस है, यहां इन्होंने 10%, आईटेक्स कंपनी ने यहाँ पे कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, 10, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया। अब मैं रिलायंस कंपनी को क्या करना चाहती हूँ, टेक ओवर, मैंने यहाँ 30 ले लिया और टाटा कंपनी को क्या बोल दिया, 20 ले लो, 21 ले लो, जिससे क्या हो जाएगा, टेक ओवर, तो भैया एक तरीके से तुम्हारी चल रही है ना, तो ये डीम टू बी पीएसी है ना, कनेक्टेड में मत जाना, तो बस एक बाकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, पढ़ा क्या हमने, पढ़ा क्या हमने पीएसी की डेफिनेशन, दो बातें हैं इसमें, दो कैटेगरी, पहला कॉमन पर्पस जिसका है वो सब आ जाएंगे, या फिर यहाँ कॉमन हो चाहे ना हो तुम डीम्ड हो, क्योंकि तुम प्रूफ करने में तुमको मुश्किल आएगी, अंटिल अनलेस आप प्रूफ ना कर दो, इन्होंने ये लाइन दे रखी है बच्चा का ध्यान दोगे, अनलेस सब 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 जैसे हाँ सारे रिलेटेड, इन्होंने बोलते भैया इनके पास तो होगी ना, वो तो तुम्हारी मानी गई, लेकिन अनलेस अगर प्रूफ क्या कर दिया कॉन्ट्रेरी कि नहीं हम अलग है तो फिर हम मान जाएंगे, लेकिन प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। क्लियर है बच्चा? पक्का? तो अब पूरा सम अप चैप्टर हमने स्टार्ट किया, बताइए सबसे पहले टेक ओवर समझा, एक होता है एक्वायर, दूसरा होता है टारगेट कंपनी, एक्वायरर कौन हो सकता है, खरीदने वाला इंडिविजुअल कंपनी या फिर एनी अदर, किसको खरीद रहे, टारगेट कंपनी, किसको खरीदा जा रहा है, जो ऑलवेज कितने टाइप होते हैं, पहला दूसरा, वेरी गुड बच्चा। अब हमने क्या पढ़ा इसके बाद, इसके बाद सीधे से हमने डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पढ़ी, ये डेफिनेशन पूछे जाने वाली डेफिनेशन, वन एंड ओनली, दैट वाज पीएसी, खत्म, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है पीएसी, अदरवाइज पूछे जाने वाली डेफिनेशन ही है, वो बस कंसेप्ट के लिए, ताकि जब हम आगे पढ़े तो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे बच्चा ब्रेक, क्यों, क्योंकि इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो अब लिमिट्स वाला आएगा, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ब्रेक, क्लियर है? चलो।